गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं थोड़ा रुक के बना रहा हूँ क्योंकि फ्रैंकली मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। देयर वाज ऑब्वियसली आउटरेज एंड एक्सट्रीम ग्रीफ। जब भी इस टाइप की घटना होती है, रेप एंड मर्डर, द एट्रोसिटी दैट इज कमिटेड ऑन अ वुमन। ये जो स्टूडेंट है ये पीजी के अंदर थी और पीजी के अंदर पहुँचने के लिए पहले आपको खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है नीट के लिए। उसके बाद आप 5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप पीजी का एग्ज़ाम लिखते हैं एंड आफ्टर दैट समथिंग इज टेकन इन अ सच अ हॉरिफिक मैनर फ्रॉम द फैमिली। इमेजिन करिए उसके पेरेंट्स के बारे में एंड इमेजिन करिए कि व्हाट दैट स्टूडेंट वुड हैव गॉन थ्रू व्हेन दिस वायलेंस वॉज परपेट्रेटेड ऑन हर। तो मैं इस वाले वीडियो के अंदर अपनी तरफ से कुछ एक नज़रिया प्रेजेंट करना चाहता हूँ। द केस इज रेप एंड मर्डर ऑफ अ वुमन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ डे टू डे अकरिंग। अलग अलग तरीकों से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब बोला जा सकता है इतना बड़ा कंट्री है, हर पागल आदमी को रोका नहीं जा सकता, पर क्या हम एक मिनट के लिए रुक के ये सोच सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में? एक तो डेफिनेटली चीज़ है कि बेटर लॉज होने चाहिए, तो ये जो लॉ है इसको पास किया जाना चाहिए। डॉक्टर्स आर स्पेशली एट द रिसीविंग एंड, ये तो एक्सेसिव केस है, पर डॉक्टर्स आर ऑल्सो एट द रिसीविंग एंड ऑफ द फैक्ट दैट जब वो किसी को ट्रीट करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बचेगा, और उसके बाद कई बार उन्हें पेशेंट्स और उनके आसपास वालों की वायलेंस झेलनी पड़ती है। तो देर वॉज दिस लॉ विच केम इन विच वॉज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट इन 2022, अभी तक पास नहीं हुआ। एक तो ये पास हो जाना चाहिए, और इस वाले वीडियो में मैं इस वाली चीज़ के बारे में, ऑब्वियसली देर हैज़ टू बी अ डिस्कशन अराउंड स्ट्रिक्टर लॉज। जब निर्भया केस हुआ था तो उसके बाद लॉज को सिग्निफिकेंटली स्ट्रिक्ट किया गया था। प्रॉबेबली नीड्स टू बी सीन अगेन कि इस टाइप के केसेस को प्रिवेंट करने के लिए, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए क्या और स्ट्रिक्ट लॉज चाहिए। पर मैं आपको फिर भी एक नज़रिया देना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू डे टू डे, मुझे कुछ लगता है इस चीज़ के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, यदि आपने पिछले 4-5 दिनों में देखा हो, आपको ये वाली चीज़ें भी सुनाई दी होंगी, ये अखबार में ही है, नर्स वॉज रेप मर्डर वाइल हेडिंग होम फ्रॉम उत्तराखंड हॉस्पिटल, है ना। ये राजस्थान में है, एक औरत को रस्सी से बांधा, वो अपने घर जाना चाहती थी, टेक्निकली वाइफ थी इस आदमी की, पर उसके अंदर यह एंगल भी है कि उसने शायद ख़रीदा था उस औरत को, और उसको बांधा रस्सी से, वो अपने घर जाना चाहती थी जैसलमेर अपनी सिस्टर से मिलने। पति नहीं चाहता था, या जो भी वो इंसान है नहीं चाहता था कि वो जाए, उसे रस्सी से बांधा और मोटरसाइकिल के पीछे घसीटा। जस्ट इमेजिन करिए, है ना। मैंने यहाँ पे लिस्ट डाली है, ये थोड़ी पुरानी लिस्ट है 2017 की। टेक्निकली इसमें एक टॉप 25 कंट्रीज़ में इंडिया नंबर 25 पे है, ठीक है। दुनिया में कंट्रीज़ करीब 200 के ऊपर हैं। तो वी कैन नॉट से टू आवरसेल्व्स कि ये तो सब जगह पे होता है। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे नॉर्वे है, एक यहाँ पे स्वीडन आपको दिखाई देगा विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ऑस्ट्रेलिया है, पर 3500 पीपल, हमारे यहाँ पे तो पर 50,000 पीपल होता है। न्यूजीलैंड है, ये हमसे ऊपर है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ये हमसे ऊपर है। तो वन वे टू लुक एट द प्रॉब्लम कुड बी, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रेप होंगे। और दूसरा तरीका देखने का ये हो सकता है कि नहीं, इंडिया में तो नहीं होगा, वी विल डू समथिंग एज सिटीजन्स, एज पीपल हु इंडिविजुअली कैन डू सम बिट ऑन देयर पार्ट। तो मेरे हिसाब से इस तरह से देखना ठीक नहीं है। वी कैन नॉट फील हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि हमारे ऊपर
हमारे से ज़्यादा पर सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारे से ज़्यादा नॉर्वे में रेप होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं और बेल्जियम में होते हैं और न्यूजीलैंड में होते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, आइसलैंड में होते हैं, आइसलैंड भी एक डेवलप्ड कंट्री है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों फ़र्क पड़ता है। अब इस चीज़ को देखिए, मैं इस नज़रिए को आपके सामने डालना चाहता हूँ। एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, देखो क्या बोल रही है, शांति से समझने की कोशिश करना। तो ये कह रही है कि दिस इज व्हाट अ वुमन गोस थ्रू, सेफ्टी है ना, वुमन सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो देखो ये कह रही है, एक नेल वार्निश आ गई है जिसे लगा लो, ठीक है। तो यदि आप किसी के साथ ड्रिंक करने गई हैं बाहर, बाय द वे नो वन हैज़ द राइट टू जज एनी वुमन बिकॉज शी हैज़ गॉन आउट टू ड्रिंक विद समवन, ठीक है। तो ड्रिंक करने गई है बाहर, तो ड्रिंक लोग स्पाइक कर देते हैं, उसके बाद रेप केसेस होते हैं, ठीक है। पागलों की कमी नहीं है। तो ऐसी नेल वार्निश आ गई है, नेल वार्निश आ गई है कि आप अपने ड्रिंक में डालेगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा स्पाइक हुई है। विमेन अपने साथ पेपर स्प्रे कैरी करती हैं, पॉकेट नाइफ्स कैरी करती हैं, डिस्गाइज एज लिपस्टिक एंड मॉइस्चराइजर, सेल्फ डिफेंस की चेन्स हैं। आप इसको पढ़ लीजिए एक मिनट, है ना। तो सवाल ये है, इसमें इन्होंने एक जगह पे ये पूछा है कि ये पढ़िए, व्हेन वाज द लास्ट टाइम एक आदमी ने गूगल किया था प्राइस ऑफ अ सेल्फ डिफेंस की चेन। तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीज़ जो इस सेफ्टी का इशू है, अनजान इलाका, अनजान जगह, नॉट लाइटेड प्रॉपरली, उसमें एक औरत को डर क्यों लगता है और उसके अगेंस्ट फिर वो क्यों प्रोटेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। व्हाई शी ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट समथिंग माइट गो रॉन्ग, समवन माइट परपेट्रेट वायलेंस अगेंस्ट हर ऑफ द वर्स्ट काइंड। और दिखाई देते हैं, मतलब अभी मैंने आपको नर्स रेप एंड मर्डर, द स्टूडेंट इन आर्ची कार मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर्ड, दैट वुमेन ड्रैग्ड बिहाइंड अ बाइक, है ना। तो चीज़ क्या है, मैं इस चीज़ के बारे में आई थिंक यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है इस सेंस में कि हम सोचें कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। एक तो चीज़ यह है कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस, हमें पता हो ऐसी कुछ चीज़ हुई है, हमें पता हो कि आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट चेंजिंग द फ्यूडल माइंडसेट या चेंजिंग द मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट, पर फिर भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी भी अ लॉट ऑफ वुमेन दे हैव टू गो थ्रू दिस, दे आर कंटिन्यूसली वरिड, स्टे सेफ एंड आवर डैड्स एंड बॉयफ्रेंड्स बेग वी डू द सेम, है ना। तो क्या किया जा सकता है, मैं आपको एक और नज़रिया देना चाहता हूँ। एक चैट हो रही थी हमारे ग्रुप्स पे, है ना, मैंने ग्रुप बनाया टेलीग्राम का, ऐसे जब भी कोई बात करता है ऑब्वियसली मैं निकाल देता हूँ, बट ऐसा ऑलमोस्ट डेली होता है कि लोग जब लड़ाई करते हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड माई लैंग्वेज, मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझने चालू करें कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हुआ है, वहाँ पे तो एक इंसान है जो वायलेंट था, जो एक औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता था और साइको था, और उसने उसके बाद कोहराम मचा दिया उस लड़की की बॉडी के ऊपर, उसे मार दिया। पर ये देखिए, दीज आर सम ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरी बहन ये बात, तू चैट बंद कर, तेरे के जाए से, ये कुछ किसी ने बना हुआ है, रोज इसकी दो, है ना।
तो इन चीज़ों को तो रोका जा सकता है। मतलब क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि जो करंट स्टेट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, करंट स्टेट जो है तो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले अब्यूसिव लैंग्वेज होगी इस टाइप की जो मैंने यहाँ पे पढ़ी है, बद्दी भाषा है ना। इस अब्यूसिव लैंग्वेज से एक टाइप का एग्रेशन ब्रीड होता है, किसी जगह पे फिजिकल वायलेंस होती है, सामने आए मारपीट, मतलब आई बीन टू सो मेनी सिचुएशन जहाँ पे मैं देखता हूँ ड्राइव कर रहे हैं, पिछले 7-8 साल में कम से कम 3-4 बार हुआ होगा, एक बंदे को किसी ने पकड़ लिया सड़क के बीच में और लोग उसे मार रहे हैं कस के। आपने वीडियोस देखे होंगे कि लोग लाठी से किसी को मार रहे हैं, ऑलमोस्ट एज इफ उन्होंने किसी सांप को देखा और सांप उन्हें काट जाएगा, तो उसको मारना ही है, इंसान को मार रहे हैं, है ना। और इसके ऊपर फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन चालू होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन किस तरह से होगा, उनके बिहाइंड द बैक उल्टी सीधी बात करें, ये तो दारू पीती है, ये तो सिगरेट पीती है, किसने मना किया है, उसका हक नहीं है, आप पी सकते हो, कोई और नहीं पी सकता, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिफाई कर दिया कि सामने वाले के लिए कुछ और ही रूल अप्लाई होता है ना, उसके लिए तो कुछ और रूल अप्लाई होता है। लड़कियों की प्रेजेंस में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, विस्लिंग, ठीक है, हजार चीजें हो सकती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, विच मेक्स अ गर्ल अ वुमन अनकंफर्टेबल अराउंड यू। यदि आप एस्पिरेंट हैं और कोई लड़की आपके साथ तैयारी करिए, बहुत सारी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, या फिर आप मेडिकल कॉलेज में गए, आसपास हैं लड़के हैं लड़कियां हैं, लड़कियां इस तरह से बात कर रहे हैं कि दे आर मेकिंग अ गर्ल फील अनकंफर्टेबल, अनसेफ। क्यों क्यों कर रहे हो भाई? या फिर आप वर्क प्लेस पे, वो हॉस्पिटल हो सकता है, हमारा ऑफिस है, कहीं पे भी, और आप इस तरह की हरकतें करें, विच इज देर कैन बी अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। मैं तो इनफैक्ट पूछना चाहूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट अ मेडिकल कॉलेज ओनली, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स neetprep.com से पढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग उनमें से मेडिकल कॉलेज गए हैं, नीचे बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं विच मेक्स अ वुमन फील और विच मेक्स अ गर्ल फील अनकम्फर्टेबल अनसेफ, और क्या किया जा सकता है, कैसे रो सिंपल। मतलब हमें इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देनी होगी कि हम अपने लेवल पे इस चीज़ को रोक सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, 10वीं 11वीं में होता है, कोई उन्हें बैठा के बताए कि रेप का मतलब क्या होता है, गाली का मतलब क्या होता है, वायलेंस का मतलब क्या होता है, एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, क्यों उनका रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट अ फन मैटर जब इस टाइप की कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है ना, इट इज नॉट अ फन मैटर। मुझे कुछ लोगों ने, मैंने इन्हें ब्लॉक कर दिया, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज भेजा कि इन्हें अनब्लॉक कर दो, ये तो बस लड़ाई कर रहे थे, कोई और भी इन्हें बोल रहा था, कोई और भी बोल रहा था, इरेलेवेंट है ये लैंग्वेज, ये एग्रेशन। बहुत सारा ऐसा इंटरनेट पे है, मतलब कोई भी कुछ भी वीडियो डालता है, नीचे चालू हो जाता है, लोग आके दिखाते हैं वो। मतलब मेरे हिसाब से वो सब लोग जो इस टाइप की चीज कर रहे हैं, उन्होंने फिजिकल रेप नहीं किया है, उन्होंने वर्बल रेप तो कर दिया, और उस जगह से, उस जगह का रास्ता जहाँ पे वो फिजिकली किसी को हार्म करेंगे, इन माई माइंड द चांसेस हैव इंक्रीज्ड। ब्रिंग दिस एग्रेशन डाउन, ब्रिंग दिस वायलेंस इन योर माइंड डाउन, शांत हो जाओ। यदि हम शांत नहीं होंगे, यदि हम ऐसे ही पागल सांडों की तरह बिहेव करेंगे, इस टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे, इस टाइप की चीज़ें करेंगे, मैं ये पोस्ट नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, पढ़ लीजिए जाके से, आपको समझ में आएगा। अ वुमन फील्स अनसेफ, वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हम 25वें नंबर पे, हमारे से ऊपर, हमारे से बुरा हाल अमेरिका में है और स्वीडन में है, आइसलैंड में है, इरेलेवेंट है। वी हैव टू मेक दिस प्लेस बेटर फॉर वुमेन,
दे आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, थोड़ा बहुत इधर उधर. नो वन शुड फील अनसेफ एनी टाइम, चाहे वो कोई रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे कोई जेंडर हो. क्यों? और उसके लिए सम ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस्ड. आई एम श्योर कुछ ना कुछ बेहतर लॉज आएंगे. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हॉरिबल एंड आई एम श्योर सम ऑफ दीज लॉज वुड एक्ट एज रीजनेबल डिटरेंट. बट कहीं ना कहीं चीज जो है इसको और पीछे जाके रोका जाने की जरूरत है. दसवीं ग्यारहवीं में बच्चों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि सम लैंग्वेज इज नॉट ओके, बींग वायलेंट इज नॉट ओके, ऑब्जेक्टिफाइंग वीमेन इज नॉट ओके. हंसी मजाक नहीं है, मत करो गंदी बातें. दैट्स ऑल गाइस, मुझे और कुछ कहने के लिए नहीं है. मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक काम जरूर किया जा सकता है. जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर लड़कियां, नीचे लिख दीजिए आप किन चीज़ों से कम YouTube में जब आप कमेंट लिखते हैं उसका एक अच्छा चीज़ यह है कि देर इज़ अ लेवल ऑफ एनोनिमिटी, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो नीचे आप ये लिख दीजिए कि कौन सी चीज़ आपके आसपास कोई लड़का करता है, कोई और करता है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर में हैं, विच मेक्स यू फील अनसेफ, अनकम्फर्टेबल, और आपके हिसाब से उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है. आई विल पब्लिश अ डिटेल लिस्ट. मैं एक और वीडियो करना चाहूँगा, मैं एक डिटेल लिस्ट पब्लिश करना चाहूँगा. आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप कहीं पे काम करते हैं, या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे तो नीट एस्पिरेंट्स हैं ज़्यादातर, या वो है जो लोग कॉलेज में गए हैं, तो वीडियो और लोगों के पास भेज दीजिए. आई होप सारी लड़कियाँ जो ये वीडियो देख रही हैं वो ये कॉन्ट्रीब्यूट करें कि यदि आपका एक्सपीरियंस रहा है. मेरा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस. ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ द रियलिटी विच अ लॉट ऑफ वीमेन लिव थ्रू. दिस इज वॉट दे थिंक वेन दे आर वॉकिंग इन द डार्क, वेन दे आर इन अ लोनली एरिया. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि नीचे लिख दीजिए कि कौन सी सिचुएशन आपके वर्क प्लेस में, आपके कॉलेज में, या आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, या आप कहीं और तैयारी कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे, व्हाट थिंग्स मेक यू अनकंफर्टेबल, और आपके हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या है, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. थैंक यू वेरी मच.